हेलो बच्चों, आज हम तुम लोगों का पहला चैप्टर जो है इलेवेंथ का, क्लास इलेवेंथ का, वो व्याकरण को पढ़ा है। ऐसे देख लो, हमारा यहाँ पे दो टाइप का क्वांटिटी होता है। एक होता है स्केलर, एक हो गया स्केलर और दूसरा हो गया वेक्टर। तो स्केलर किसको कहेंगे, स्केलर किसको कहेंगे, बहुत को पता है, बहुत को पता नहीं है, ठीक से पता है, ठीक से पता नहीं है। वेक्टर को नाइन में तुम जान चुके हो या ऑलरेडी नो अबाउट द फैक्ट व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। बट मैं शुरू से ही शुरू करता हूं इसको, जितना इसको क्लियर कर जाए। जैसे स्केलर हो गया, स्केलर मीन्स इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका आपका स्केलर का मैग्नीट्यूड, और इसका कोई डिरेक्शन नहीं होता है, डिरेक्शन नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो ये हो गया तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप देख सकते हो, किसी एरिया को ले लो, किसी आप वॉल्यूम को ले लो, तो ये सब एरिया, इसका कोई डिरेक्शन नहीं है। तुम्हारा घर पे जो जमीन है, समझ लो तुम्हारा घर पे जमीन है, तो वो जमीन उसका डिरेक्शन किधर होगा, मतलब वो जमीन तो नापा गया है ना, ऑलरेडी दैट इज बीन ऑलरेडी मेजर्ड, इज देयर जस्ट नो डिरेक्शन एट ऑल। सो ये हो गया तुम्हारा स्केलर, मतलब जो भी हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल वगैरह में क्या है, एग्जाम्पल में तुम दे सकते हो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब हो गया। और वेक्टर हम किसको कहते हैं, वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड है और डिरेक्शन भी है, डिरेक्शन भी है, ये दोनों है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड और डिरेक्शन केवल एक ही दोनों होने से उसको हम वेक्टर ही कर देते कह देंगे, ये कभी कभार होता भी नहीं है। कैसे, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, जैसे समझ लो एक सर्किट है, एक सर्किट बन गया है, तो करंट यहां से फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, सो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड। देखो करंट का, अगर मान लो कि ये 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर जा रहा है, इसका डिरेक्शन नहीं पता है, फिर भी ये मैग्नीट्यूड डिरेक्शन ये दोनों को तो फिट कर रहा है, लेकिन ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, सॉरी ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, ये स्केलर है। तो तब फिर क्या गया, वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डिरेक्शन ये दोनों होने से काफी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी हम किसी, मान लो किसी का भी डिरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, तो उसको बोल दिए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे देखो इसका मैग्नीट्यूड है, डिरेक्शन है, इसको नहीं बोल सकते वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर बन गया। तो वेक्टर बनने के लिए और कुछ मतलब खासियत है इसमें, देयर इज सम मोर थिंग्स। जैसे ये जो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल है फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये वगैरह वगैरह हो गया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने होने का और एक जगह है, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिरेक्शन नहीं है, वो मैं बात बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, डिरेक्शन है, देखो ये हो गया, फिर भी वेक्टर नहीं है, मतलब वेक्टर होने के लिए वेक्टर का जो एडिशन होता है, ये जो पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, वेक्टर का एडिशन, उसमें तीन लॉ आता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ और एक होता है पॉलीगन लॉ।
ये एडिशन के लिए होता है। तो इसका करंट का क्या होता है, करंट मतलब यहां और एक 5 एम्पियर करंट दे दो तो टोटल कितने एम्पियर करंट चलाया जा रहा है, 7 एम्पियर। मतलब सिर्फ ये एल्जेब्रिक समेशन को सपोर्ट कर रहा है, और एल्जेब्रिक समेशन को सपोर्ट करता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं। वेक्टर को ऐड करने के लिए अलग सा रूल है जिसमें ट्रायंगुलर लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ये सब है। उसका सब्ट्रैक्शन का लॉ है, उसका मल्टीप्लीकेशन का भी लॉ है। तो ये करंट जो है ये लॉ फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ एल्जेब्रिक समेशन का लॉ फॉलो करता है। इसलिए करंट का मैग्नीट्यूड डिरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। समझ लो बच्चों, ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर को हमको कैसे हम डिनोट करते हैं? वेक्टर को डिनोट करते हैं ऐसे, जिसको यहां से शुरू होता है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, तो इसको ओ ए वेक्टर हम बोल रहे हैं, ओ ए वेक्टर। तो ओ और ए के बीच ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डिरेक्शन इधर का तरफ आ रहा है, ओ के ओ से ए की तरफ, ओ से ए की तरफ, ठीक है। तो इसको जहां से ये शुरू हो गया इसको कहते हैं हम ओरिजिन, और जहां ये वेक्टर का ये जो तीर लगा हुआ है, एरो जो लगा हुआ है, उसको हम बोलेंगे एंड पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, और समझ लो इसको बोलेंगे कि टर्मिनल पॉइंट। हो गया, ठीक है। तो एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, एक ओरिजिन होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है, एंड होता है। इसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को हम लोगों मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और इसका डिरेक्शन बताता है कि ओ के ओ से ए की तरफ ये काम कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं जगह पे, जो जगह हम लोग पहले एडिशन करने के लिए हम लोग वेक्टर का तीन लॉ इस्तेमाल करेंगे। तीन लॉ, ये तीन लॉ होगा, एक है ट्रायंगुलर लॉ, एक आ गया फिर पैरेललोग्राम लॉ, और एक आ गया पॉलीगन लॉ। ये क्या क्या है मैं एकदम पूरा विस्तारित अगर हम लोगों को बोलूंगा, ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो है, ये दोनों मैं एक बता रहा हूं, दो वेक्टर के एडिशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दो वेक्टर, टू वेक्टर्स एडिशन, और मोर देन टू के लिए, फॉर मोर देन टू मतलब 3, 4, 5 जो भी हो गया उसके लिए हम लोग पॉलीगन को अप्लाई करेंगे। तो पहले आता है ट्रायंगुलर, ऐसे क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ, इसका मतलब ट्रायंगुलर लॉ, इसका मतलब क्या होता है, देखो ट्रायंगुलर लॉ के बारे में अगर सोचो, इफ यू थिंक अबाउट द ट्रायंगुलर लॉ देन ए ट्रायंगल मस्ट कम इन टू प्ले, है ना। ट्रायंगल बोला गया है भैया इसको, तो हम एक तो ट्रायंगल बनता ही है, तो भेद क्या है, इफ दो मतलब ये समझ लो, बता रहा हूं आपको, ये
ये वेक्टर पी है जो बी से शुरू होता है सी से आता है खत्म होता है, और ये हो गया सी ए, इसका वेक्टर क्यू है, वेक्टर क्यू, और ये रह गया ये दोनों का रिजल्टेंट आर। मतलब ट्रायंगल ऑफ किसको बोला जाता है, इफ टू सेम क्वालिटी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट, देन द रिजल्टेंट रिजल्टेंट इज गिवन बोथ इन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन, डिरेक्शन by the side of the triangle taken opposite, taken in opposite order. It notes लिख लो। देखो भैया, two If two same quality vectors, same quality का मतलब क्या होता है, तुम addition ऐसा नहीं कर पाओगे, मतलब एक रह गया तुम्हारा acceleration और एक रह गया तुम्हारा velocity, velocity acceleration ये सब तो vector है, तुम acceleration के साथ velocity को add नहीं कर पाओ, तो दोनों का quality जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग 2 kg चावल के साथ 2 liter तेल तो add नहीं कर पाते, तो ये हो गया कि अगर दो फिल्टर, इसमें बोला गया कि टू सेम, इसलिए सेम क्वालिटी बहुत जरूरी, सेम क्वालिटी बहुत जरूरी चीज है ये, सेम क्वालिटी, क्योंकि एक में आप समझ लो कि फोर्स को ले रहे हो और एक में आप वेलोसिटी ले रहे हो, तो वो नहीं होगा, ये अगर फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये अगर वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा, तो इसको क्या कह गया कि टू सेम क्वालिटी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मतलब ये दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में लिया गया, देखो बी से शुरू हुआ सी तक, इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन बी है, एंड पॉइंट सी है, तो बी से सी, सी से फिर सीधा ए, सी से ए क्यू वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो अगर यहां से चलोगे तुम लोग तो यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, है ना, तो ये एक ही ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में लिया गया है, तो अगर ये सेम ऑर्डर में लिया गया है तो अगला क्या बनता है, ऐसे बनता था कि हम ए से बी जाए, मतलब इधर से तो एकदम रास्ता क्लियर, मतलब जहां से शुरू किए थे वही पहुंच जाए, लेकिन लास्ट वाला में दो वेक्टर को तुम एक सेम ऑर्डर से लिए हो, तो इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है बता रहा हूं, रिजल्टेंट के बारे में बताता हूं, रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट, जैसे क्या हो गया 5 और 2 ऐड करके हम 7 निकले ना, तो ये 5 2 मतलब ऐसे बता रहा हूं मैं, मतलब ये तो सीधे स्केलर वाली बात होगी, लेकिन मैं भीतर को ये बता रहा हूं, तो ये 7 जो है इसको ये रिजल्ट आया, तो इसी को कहते हैं हम रिजल्टेंट, ठीक है, मतलब इसका एडिशन करके ये आ रहा है, ये ग्राफिकल प्रोडक्शन है, तो ये आ रहा है हमका रिजल्टेंट,
तो ये दो वेक्टर को तुम एक ही ऑर्डर में लिए हो और साइमल्टेनियसली क्या हो गया कि तुम्हें यहां आना चाहिए था, तो ये जो ऑपोजिट ऑर्डर में ले रहे हो ना बीसी, मतलब एक लड़का यहां से यहां आया यहां से यहां गया, तो थर्ड वाला जो साइड है उससे अगर तुम वही लड़का को तीर मार दोगे तो वो तीर मारने वाला भी डायरेक्शन वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, मतलब ये ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ही ऑर्डर लिया गया है, यहां से यहां एक ऑर्डर, यहां से यहां दो वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया, इसका एडिशन करना है। तो हम लोग यहां से अगर यह हम आ गए तो ये नहीं होगा, जैसे मैं बता रहा हूं मैं सेम ऑर्डर तीनों को सेम ऑर्डर में ले लीजिए, एक यहां पी एक यहां क्यू, मतलब ये ए बी ए बी सी की तरफ जा रहा है, सभी को अगर सेम ऑर्डर में ले लें तो नहीं होता है, ये लास्ट वाला को ये इसको ये साइड को हमको ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है, तो ये इसका रिजल्टिंग बन जाएगा। तो हम लिख सकते लिख पाएंगे पी प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो मैं फिर बता रहा हूं ये ना, ये समझ रहे हो ना कि टू सेम क्वालिटी वेक्टर होगा उसका एक एक ट्रायंगल के द्वारा मतलब सेम ऑर्डर में लिया जाएगा, तो ऑपोजिट ऑर्डर में जो तुम वेक्टर खींचोगे तो वही वाला वेक्टर ये दोनों का ये पी आर क्यू का रिजल्टेंट बन गया। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, ये धक्के वाला चीज है, मतलब यहां से यहां गया यहां से यहां आया फिर यहां आने का नहीं धक्का, नहीं यहां आने का नहीं है, तो यहां जो आया है इसको बस फोर्स पूरी उड़ा दो दूसरी जगह, बॉम्बार्डिंग कर दो, बम मार दो उसको, ठीक है, तो तीर मार दो उसको तो वो तीर आ जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे इसमें आ गया ए बी सी है, ए यहां आया ये पी वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये क्यू वेक्टर को डिनोट कर रहा है, मतलब यहां से सेम ऑर्डर आ गया हाँ, तो ऑपोजिट ऑर्डर यहां से शुरू होगा। देखो धक्के मारने वाली बात है, तीर मारने वाली बात है, इसको इस ये लड़का यहां से आ गया यहां से यहां आया कि इसको यहां से यहां नहीं आना है, इस इधर से एक तीर चलाना है उसका, धक्का जिधर मारोगे वही रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है। और एक देता हूं मैं इसको ऐसे करके, जैसे यहां एक आ गया ए बी सी, यहां एक आ गया मतलब ये पी ये क्यू, और मतलब यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां नहीं, फिर ये तीर इधर आएगा ऑपोजिट ऑपोजिट ऑर्डर पे, ये रहेगा तुम्हारा रिजल्ट। ये वाली बात बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। तो सही जगह में हम लोग इसको करेंगे R इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, और वेक्टर क्या बोला था, तो ये हम बोले थे कि इसका सेम क्वालिटी का लेना है और इसका जो रिजल्टेंट है वो अपने आप ऑपोजिट ऑर्डर पे, मतलब दो सेम ऑर्डर पे होगा और दो सेम ऑर्डर पे होगा और तीसरे वाले ऑपोजिट ऑर्डर पे होगा, वो ऑपोजिट ऑर्डर रिजल्टेंट बताता है हम लोग। एक बात मैं इलेवन में बता रहा हूं जो तुम लोग को चाहिए, इसका ज्यादातर खास एप्लीकेशन यही होता है, दो देखो हमने पहले ही बोला था कि ट्राइंगल लॉ में मैं दो वेक्टर को कहूं दो वेक्टर का एडिशन के लिए कहूं, दो वेक्टर का एडिशन होगा दो वेक्टर का, तो ये आ गया ना, मतलब ये पी एक वेक्टर है क्यू एक वेक्टर, तो ये आर आ गया हम लगा रिजल्टेंट। ये होता है ना पांच दो का मतलब उसका एडिशन में सात आएगा, तो ये थोड़ी है कि इसमें हम तीन वेक्टर को लेकर काम कर रहे हैं, तीन तो नहीं तीन सब तीन तीन राशियों को लेकर काम कर रहे हैं, नहीं तो इट इज नॉट सो। So, यहां देखो पी को और क्यू को, ये दोनों को दो को लेके हम लोग एडिशनल लॉ ऑफ वेक्टर मतलब ट्रायंगल लॉ हम यहां कर चुके हैं, ठीक है। और यहां एक इस लेक्चर के बाद यहां कुछ वेक्टर के बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए, जैसे कैसे
पैरेलल वेक्टर से कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। इसका बाद वाला जो लॉ आएगा वो एडिशन का जो पैरेललोग्राम लॉ आएगा उसमें ये सब काम, ये सब आए, इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो पैरेलल वेक्टर क्या है? पैरेलल लाइन समझे होना, समझते होना, जैसे दो लाइन कभी आपस में मिलने वाला नहीं है, तो ये दो वेक्टर कभी आपस में, मतलब वेक्टर दे दिया इसको, ये आपस में मिलने वाला नहीं है, तो इसका अंदर इसका एंगल कितना होगा? जीरो डिग्री। तो दो वेक्टर को अगर एंगल जीरो डिग्री हो जाए तो इसको हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे होता है कि ये इधर दोनों का बीच का एंगल जीरो है लेकिन ऑपोजिट डिरेक्शन पे है, ऐसे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल। और एक बात मैं बता रहा हूं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसको बाद में तुम लोगों को पता चलेगा। ये हो गया पैरेलल वेक्टर, अब और ये रहेगा एंटी पैरेलल। अब बता रहा हूं मैं ऑपोजिट वेक्टर कैसे ऑपोजिट वेक्टर मतलब दो वेक्टर काम कर रहा है इधर से और इसका यहां से और एक वेक्टर, ये रहेगा पी, ये रहेगा क्यू, तो इसका बीच का एंगल जो 180 डिग्री होगा ना, तो इसको कहेंगे हम लोग ऑपोजिट वेक्टर। ऐसे समझ में, अगर एंगल जीरो डिग्री होगा तो पैरेलल दोनों के बीच क्या है, और दोनों के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे हम ऑपोजिट वेक्टर। ऐसे और एक होता है, जैसे कोप्लैनर वेक्टर। कोप्लैनर वेक्टर मतलब एक ही प्लेन में, मतलब एक ही प्लेन में, ये बोर्ड का जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, तो ये प्लेन में इतना वेक्टर काम कर रहा है, ये इधर 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 सभी एक ही प्लेन में काम कर रहा है, कोई एक्स वाई प्लेन पे काम कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कोप्लैनर, कोप्लैनर वेक्टर, कोप्लैनर वेक्टर। ओके, अब आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल मतलब एक्स वाई जेड होता है, हम लोग का एक थ्री डायमेंशनल बॉडी समझाने के लिए, तो आपका घर के जिस भी कोने को पकड़ लो, एक कोना है ना घर का, वो कोने में देखना, ये एक्सिस तुमको पता चल जाएगा, ये समझ लो एक्स एक्सिस है, ये समझ लो वाई एक्सिस है, ये समझ लो जेड एक्सिस है। तो यहां पे अगर एक ये वेक्टर काम किसका, हर एक का बीच का एंगल एक्स के वाई के साथ 90 डिग्री, एक वाई के जेड के साथ ये भी 90 डिग्री, और जेड एक्स के साथ ये भी 90 डिग्री। तो कोई वेक्टर समझ लो, यहां एक वेक्टर काम कर रहा है, ये जैसे मैं बता रहा हूं इसको आई जे के, तो ये वेक्टर के आपस में इसका एंगल जो 90 डिग्री हो रहा है, ये इसको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन है ये मैं अगले मेरे फिजिक्स वीडियो में बता रहा हूं। तो मैं तुम लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता हूं, जैसे मैं ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अभी आया हूं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसका नेक्स्ट जो वीडियो में डाल रहा हूं जल्दी जल्दी आएगा, वो पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगोन लॉ के ऊपर, तो मैं जल्दी डालने का कोशिश कर रहा हूं। और मेरा ये काम है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये सब देखें और खुद को, और कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि कोई क्या क्या डाउट है इसमें। धीरे धीरे मेरे हाथ से पिछले मैं करीबन 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हूं मेरा, और मैं तो मेरे हाथ से
बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर भी यहां से पास आउट करके गए हैं मेरे हाथ से, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो तुम लोग बार बार देखो, मेरे अगले आने वाले वीडियो को भी देखो, चैप्टर्स को समझो, कोई अगर डाउट है तो डाउट मेरे हमसे पूछो, मैं जितना हो सके मैं कर दूंगा। मैं इस प्लेटफॉर्म में डीपीपी वगैरह जो भी है, मैं हर एक स्टूडेंट के ऊपर सोच रहा हूं, ये सोच रहा हूं कि जिसके पास ट्यूशन जाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है मोबाइल है, कोई भी डेटा कार्ड से काम चला रहा है, उन लोगों को ये सपोर्ट, आई कैन गिव देम द सपोर्ट फॉर प्लानिंग देयर एजुकेशन और फिजिक्स एंड दे कैन एबल टू रीच देयर टारगेट्स एंड होपफुली दे विल गेट द सक्सेस। माई एंटायर एफर्ट ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स, जेईई नीट वगैरह एडवांस वगैरह में जो भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहां मेरे चैनल को देखते रहना और स्टे ट्यून्ड। आज इतना ही, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो।